दोस्तों, घमंड आदमी को बर्बाद कर देता है। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वाले को आगे चलकर हमेशा पछताना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी के पास एक गधा था। वो गधा उसी आदमी के घर रहा करता था। इस बात का उस गधे को काफी घमंड था। वो गधा यही सोचा करता था कि मुझसे ज्यादा होशियार यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही घर में पाला जाता है, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके सामान को लाता हूँ। गधे को अपने आप पर काफी घमंड था और वो अपने सामने किसी को भी कुछ भी नहीं समझता था। वो सोचता था कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ, जबकि सभी जानवर बाहर ही रहते हैं। एक दिन वो घमंडी गधा अपने घर के पास बंधा हुआ था, तभी वहाँ एक बिल्ली आती है। घमंडी गधा कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये घर मेरा है और तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। इस पर वो बिल्ली कहती है कि तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, तुम्हारा घर नहीं है, उस आदमी का घर है ये, और तुम्हें कभी भी निकाला जा सकता है। ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। गधा कहने लगा कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं यहाँ पर हमेशा रहूँगा, क्योंकि मैं उनके काम आता हूँ। बिल्ली वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एक पेड़ पर एक कबूतर आकर बैठ जाता है। गधा कहता है कि तुम्हें इस पेड़ पर नहीं बैठना चाहिए, ये पेड़ भी मेरा है, क्योंकि मैं इसके नीचे बंधा हुआ हूँ, तुम्हें यहाँ से उड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। कबूतर कहने लगा कि तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, अगर तुम ज्यादा घमंड करोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर गधा कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी उठकर चले जाना चाहिए, ये घर मेरा है और मैं हमेशा यहीं पर रहूंगा, तुम्हारा क्या है? तुम तो आज यहाँ पर बैठे हो और कल किसी और पेड़ पर बैठे होगे, तुम्हारा कोई घर नहीं है। कबूतर भी ये सुनकर वहां से चला जाता है। घमंडी गधा वहीं पर खड़ा रहता है। तभी उसका मालिक आता है और कहता है कि अब तुम्हें चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, हमें बाजार से बहुत सारा सामान लाना है। आदमी गधे के ऊपर बैठता है और गधा बड़ी शान से सड़क पर चलता हुआ चला जाता है। उस दिन वो आदमी बहुत सारा सामान लेता है और सारा सामान गधे के ऊपर रख देता है, जिससे गधे को चलने में भी परेशानी हो रही थी। और गधा सोच रहा था कि आज तो मेरे ऊपर बहुत सारा सामान रख दिया गया है, जिसके बाद मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। इतना ही नहीं, वो आदमी भी गधे के ऊपर बैठ गया। अब गधे का चलना और भी मुश्किल हो गया था, लेकिन गधे को इस बात का अभी भी घमंड था कि ये घर तो मेरा ही है, मुझे उसी घर में रहना है, जबकि सभी जानवर तो हमेशा बाहर ही घूमते रहते हैं, उनका कोई घर नहीं है। ये सोचते सोचते वो गधा बड़ी मुश्किल से घर पहुंच गया था और आज बहुत ज्यादा थक चुका था। रात होते ही उसे नींद आने लगी और वो सो गया। सुबह हो चुकी थी और वो बिल्ली गधे के पास आई और कहने लगी, तुम तो बहुत काम आते हो, तुम तो बहुत सारा सामान लेकर आए हो, इतना सामान तो कोई भी नहीं ला सकता। गधे ने कहा कि मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, ये मेरी वजह से ही संभव हो सका है, इसलिए मेरा मालिक मुझे बेहद पसंद करता है, यही कारण है कि ये घर मेरा है। बिल्ली ने कहा, फिर तुम वही घमंडी वाली बातें करने लगे, घमंड तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज उस व्यक्ति को तुमसे काम है, इसलिए वो तुम्हें रख रहा है, और जिस दिन तुम काम नहीं आए तो तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। ये सुनकर गधा काफी गुस्सा हो गया और कहने लगा कि अब तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वही बातें करती हो जो मुझे पसंद नहीं। बिल्ली वहां से चली गई और इस तरह वक्त बीतता चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और एक दिन गधा बीमार हो गया और गधे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो उस व्यक्ति के काम नहीं आ सकता था, तो उसका मालिक एक दूसरे आदमी से मिला और कहने लगा कि मुझे ये गधा अब नहीं चाहिए, ये बीमार पड़ चुका है और ये किसी काम का नहीं है, इसलिए मुझे एक नए गधे की जरूरत है। ये बात सुनकर वो गधा मायूस हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो घर भी उसका नहीं है और वो मालिक उसे कभी भी बदल सकता है, और वो दिन आ भी गया। उस गधे को वो आदमी अपने साथ ले गया और एक नया गधा ले आया।
जब वो गधा आदमी के साथ जा रहा था तब बिल्ली भी रास्ते में मिली थी। बिल्ली ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर कोई भी घर हमारा नहीं है, हमें कभी भी निकाला जा सकता है। गधा कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, जब इंसान को हमारी जरूरत होती है तो वो हमसे काम लेता है, और जब हमें इंसान की जरूरत होती है तो वो हमें निकाल देता है। तुमने सही कहा था कि मुझे घमंड नहीं करना चाहिए। शायद मैं बेहद घमंडी हो गया था, जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ना तो कभी घमंड करना चाहिए, और घमंड आ भी जाए तो ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। अर्थात घमंड घृणा की जड़ होती है। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका यही स्नेह हमें मोटिवेट करता है।